गुजरात में बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है और बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, यानी कि 2002 का जो रिकॉर्ड था 127 सीटों का, उसको बीजेपी ने तोड़ा, और इसके साथ ही माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को भी बीजेपी ने तोड़ दिया है। और कहते हैं कि 7वीं बार बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, 27 सालों का शासन, उसके बाद भी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तो ऐसे कौन से कारण हैं? हमारे साथ बीजेपी के दो प्रमुख नेता हैं, पहले तो रजनी भाई पटेल, जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और आप इनको व्यास साहब को तो जानते ही हैं, ये बीजेपी के बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, और दिल्ली से कोई भी जर्नलिस्ट आता है तो सबसे पहले व्यास साहब को पकड़ता है। तो सबसे पहले हम रजनी भाई पटेल से मुखातिब होते हैं। रजनी भाई, आप ये बताएं कि क्या ऐसे फैक्टर आपको लगता है, समझ में आता है कि बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के कारण है, क्योंकि आप इस बार ट्राइबल बेल्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, जो पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, व्हाट आर द फैक्टर्स? गुजरात में जब माननीय नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने विकास की राजनीति की पूरे देश में पहली बार गुजरात से शुरुआत की। उस वक्त भी मुझे याद है कि वो चुनाव के दौरान बोल रहे थे कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 25 किलोमीटर आपको चाहे उसी दिशा में आप जाए, विकास के 2-3-4 काम आपको मिलेंगे। तो ये जो विकास की राजनीति की शुरुआत हुई, और विकास कोई एक चीज का नहीं, सर्वांगीण विकास, खेती के साथ साथ उद्योग का विकास, गांव के साथ साथ शहर का विकास, तो इस सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ उसी के कारण गुजरात के मतदार, उन्होंने आज तक कंटिन्यूअस बीजेपी को चुना है, और आज जो नतीजे सामने आए हैं हम देख रहे हैं कि सभी रिकॉर्ड ब्रेक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई की जीत है कुल मिलाकर पूरे तौर से, या इसमें भूपेंद्र भाई का भी कोई योगदान है? नहीं, नरेंद्र भाई तो हमारे मुखिया है ही, उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं की बताई दिशा, और आप देखिए कि आज वड़ा प्रधान होने के बाद भी वो प्रत्यक्ष रूप से भी कार्यकर्ताओं के साथ इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सरकार जो विकास का काम कर रही है उसको तो सभी मुख्यमंत्रियों ने आगे बढ़ाया है, माननीय नरेंद्र भाई से लेकर के आज तो जो भूपेंद्र भाई है, तो भूपेंद्र भाई भी उसी दिशा में मार्गदर्शन माननीय नरेंद्र भाई का रहता है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। संगठन में भी हम माइक्रो मैनेजमेंट करके बूथ तक की जो माइक्रो प्लानिंग है, एक पेज समिति तक की, वो माननीय पटेल साहब के नेतृत्व में की है। आज हमारे दो लीडर माननीय नरेंद्र भाई और माननीय अमित भाई, वो पूरे गुजरात को उन्होंने दौरे किए, तो ये सब मिला के ये नतीजे आए हैं। गुजरात में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमको ये बताया गया है और प्रत्यक्ष रूप में हम ऐसे जीते भी है कि सत्ता हमारे लिए केवल वो नहीं है कि हम शासन सेवा का माध्यम है, सेवा का माध्यम, हमारे लिए सेवा का माध्यम है। तो ये बात पहले से लेकर के आज तक चली आई है, और इसका जब जब जरूरत हुई है, आप कोई भी इश्यू लीजिए, ये मोरबी की पूर्व होनारत हो, या भूकंप कच्छ का हो, या अभी ये कोविड का आप उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के बीच में रह करके पूरी तरह से वो समाज के साथ मदद में रहता है। व्यास साहब, आपसे जानूंगा कि आप थोड़ा मुझे ब्रीफ में बताएं कि अगर हम एनालाइज करें इस रिजल्ट को, तो पहला एक फैक्टर समझ में आता है कि इस बार गुजरात में कोई डिसरप्शन नहीं था, अनलाइक कि 2017 में पाटीदारों का एजिटेशन था। कांग्रेस बहुत ही वीक पोजीशन में थी, उन्होंने पूरे मन से चुनाव ही नहीं लड़ा, रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, आप फैक्टर भी यहाँ पे था। आपको क्या लगता है कि तीन ऐसे फैक्टर जिसके कारण बीजेपी को ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है? नरेंद्र मोदी का करिश्मा तो है ही, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसे कौन से फैक्टर आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से बीजेपी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है? कार्यकर्ता हमेशा से मेहनत तो करता आया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार जो पेज समिति का जो कॉन्सेप्ट था हमारे पाटिल साहब का, उसने बहुत मदद की है, क्योंकि उसके द्वारा हर बूथ में, हर सोसाइटी में, हर घर में हमारा कार्यकर्ता पहले से पहुंचा था, और उसने वोटिंग कराने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान निकला, और ऐसे अब वोट शेयर बता रहा है कि जो भी वोटर निकला था वो
भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए निकला था। तो और जो आपको लगता है कि आपका जो फैक्टर है, क्योंकि आपका वोट शेयर बढ़ा है, तो आप आपको डेंट करते हुए, आपको जैसे अमित शाह ने एक इनफॉर्मल मीटिंग में ये कहा भी था कि आप हमारे लिए फायदे का सौदा होगी, तो आपको लगता है कि उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है? उसका फायदा क्या है अभी सीट वाइज देखेंगे तो पता चलेगा, परंतु मैं इतना जरूर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब 52-53% के ऊपर वोट शेयर ले रही है तो हमारी लाइन हमने लंबी की है, दूसरी लाइन अब कांग्रेस की छोटी हो गई तो वो कांग्रेस का इश्यू है, परंतु गुजरात के लोगों ने कभी किसी पार्टी को नहीं दिया उतना वोट शेयर हमें इस बार दिया है, जो हम अपना सौभाग्य मानते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या आपको समझ में आते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट क्यों गुजरात की जनता ने आपको दिया? अगर तीन कारण आप जानना चाहें तो एक तो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से सरकार ने विकास के काम किए, वो दूसरा कारण था, और तीसरा कारण हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से इस बार काम में लगे थे, और ये आज की बात नहीं है, पूरे 5 साल काम में लगे हुए थे, कोविड में भी उतनी मेहनत कर रहे थे, तो ये सारी चीजें मिलकर लोगों ने अप्रिशिएट किया है और गुजरात के लोगों ने विकास के एजेंडा को वोट दिया है। और आपने एंटी इनकमेंसी को पाटने के लिए पहले ही आपने 42 MLA के टिकट काट दिए थे, तो इसका भी फायदा मिला? हाँ, वो हमारे पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें स्ट्रेटेजी भी अच्छी की होगी, बहुत अच्छी की थी, और हमारे कार्यकर्ता ने एकजुट होकर किसी भी दबाव में नहीं, किसी प्रकार के ओपोजिशन के नेगेटिव एजेंडा को कहीं कंसीडर नहीं किया और सीधा पॉजिटिव अपना प्रचार किया, जो लोगों ने स्वीकार किया है। नेशनली आप इसको कैसे देखते हैं, व्हाट विल द पिक्चर ऑफ 2024? I think we have been winning all 26 seats of the Lok Sabha in last 2 elections. This time it will be no different. Last time our vote share was 61%. Maybe we will exceed that in 2024. And who will be the challenger for BJP in 2024? We still consider Congress to be the real challenger. AAP is an aberration, and they will, I think, before the next Lok Sabha election, they will be absolutely absent in Gujarat. आपसे डर नहीं लगता? आपने MCT में देखी, आपको उन्होंने पटक दिया, तो गुजरात तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट है तो इसलिए यहाँ पे आपको डेंट नहीं हुआ, लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे आपकी रीजनल लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो कह रहे थे गोवा में हम सरकार बना रहे हैं, उनका सीएम का कैंडिडेट ही हार गया, यहाँ पर भी वही होने वाला है, और यहाँ आप इलेक्शन के 2 महीने बाद आइएगा गुजरात में, आपको आपका नाम निशान नहीं मिलेगा। ये जो एक ट्रस्ट फैक्टर, जो कि आप लोगों ने नारा भी दिया था कि भरोसा नहीं भाजपा, तो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उसका भी एक बड़ा रोल था इस इलेक्शन में, क्योंकि जनता जो नाराज भी है उसको लगता है कि काम तो आखिर फिर बीजेपी ही करेगी, सड़क बनवाएगी या जो भी हॉस्पिटल खोलेगी, तो ये ट्रस्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था। और ये ट्रस्ट इसलिए है, ये दिस इज द 7th कंसेक्यूटिव इलेक्शन विच वी आर विनिंग, एंड इट इज ऑब्वियस कि लोगों ने विश्वास किया है, 6 टर्म किया, 7वें टर्म के लिए इतना ज्यादा विश्वास किया है, इसी भरोसे के ऊपर किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और अब आज के बाद हमारा जो 80 पेज का मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है हमारा, वही हमारे लिए गीता बन जाएगा, और हम आगे 5 साल उसी के हिसाब से, उससे जो बताया है वो और उससे ज्यादा काम करेंगे लोगों के लिए। कैबिनेट का स्वरूप आप कैसा देखते हैं, क्योंकि पिछली बार तो आप लोगों ने रूपानी कैबिनेट के सारे लोगों को हटा दिया, तो इस बार कैबिनेट का स्वरूप आपको कैसा दिखता है? नहीं, इस कैबिनेट में सारे रीजन का, सारे डिस्ट्रिक्ट का और सारी कास्ट का, सारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगा, उतना मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास आपका। तो बड़ा जो फैक्टर था कि माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी, जो फेस कमेटी का एक्सपेरिमेंट था, दूसरा कि कांग्रेस का बिल्कुल इस सीन से गायब हो जाना इस इलेक्शन में, ये सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, गांधीनगर।